खबर मंदसौर जिले के गरोट से। गरोट करणी सेना के द्वारा महिलाओं के अपमान को लेकर के केंद्रीय मंत्री बिसाऊ लाल साहू का गरोट बस स्टैंड पर फूका पुतला गया। पुतला करणी सेना गरोट के अध्यक्ष तंवर सिंह चंद्रावत के बिसाऊ लाल साहू के बयान महिलाओं को खींचकर बाहर लाओ ऐसे बेतु के बयान को लेकर के शिवराज सरकार से बिसाऊ लाल शर्मा को मंत्री पद से हटाएं व नारी जाति के अपमान को लेकर के बात कही गई। साथ ही बिसाऊ लाल साहू के हाथ हाय हाय के नारे भी लगाए गए और बिसाऊ लाल साहू के पुतले को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें करणी सेना के गरोट व आसपास क्षेत्र के कई युवा आक्रोशित दिखाई दिए। गरोट संवाददाता जीवन सांकला की रिपोर्ट। किस बात का विरोध है और क्यों पुतला दहन किया जा रहा है और किसका दहन किया जा रहा है? ये विरोध इस बात का है कि अपने मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री बिसा साहू लाल साहब ने नारी की एक संबोधित सभा कर रहे थे और वो चाहते हैं कि भारत के अंदर नारी शक्तिशाली बने और खुद के उनके बयान ऐसे हैं, वो ये चाहते हैं कि कुछ उन्होंने वर्ड जो बोले हैं उसे पूरा स्वर्ण समाज पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को ठेस पहुंची है। उनका बोलने का मतलब ये है कि जो लेडीज घर में है उनको हाथ पकड़ के खींच के रोड पे लाना चाहिए। इस बयान से पूरा स्वर्ण समाज नाराज है, पूरी भारत की नारी समाज वो किसी भी धर्म किसी भी जाति की हो वो सब नाराज है। वो पहले ही बिसा साहू लाल कांग्रेस से बिके हुए बीजेपी में आए हैं और उनको एक नारी के लिए बीजेपी सरकार ने किसी सभा को संबोधित करने के लिए भेजा था। वोटों की राजनीति के लिए किसी समाज को छोटे शब्द से अपमानित करना ये शोभा नहीं देता है। हम बीजेपी सरकार से ये चाहते हैं कि शिवराज सरकार कैबिनेट मंत्री को अपनी पार्टी से बाहर निकाले, अगर इस्तीफा दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो करणी सेना इसको बीजेपी पार्टी से बाहर निकाल के जहाँ भी जिस चौराहे पे भी मिलेगा उसका मुंह काला किया जाएगा और जूते की माला से उनका स्वागत किया जाएगा। सरकार से यही हमारी मांग है, इससे सरकार को भी नुकसान है और हर जाति और नारी को नुकसान है, उसकी उस पर ऊपर ठेस पहुंची इज्जत वाली बात है। इसलिए हम हर जगह पुतला दहन कर रहे हैं और इसके थ्रू आपके मीडिया के थ्रू सरकार तक ये मैसेज देना चाहते हैं।